आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर ईडी और सीबीआई से डरने को लेकर सवाल किया। वहीं राजभर ने अखिलेश यादव पर जातिगत जनगणना को लेकर भी वार किया है। आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहा है। तो एसबीएसपी अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार वो इस तरह से निशाना साध रहे। उन्होंने विपक्ष पर ईडी और सीबीआई से डरने को लेकर सवाल किया। वहीं राजभर ने अखिलेश यादव पर जातिगत जनगणना को लेकर भी वार किया। तो एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तरफ से लगातार अखिलेश यादव को निशाने पर लिया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी तरफ से दावा किया गया है कि बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, बीजेपी और इंडिया एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत होगी। सर नहीं, सारे नेता नहीं है, सारे नेता विपक्ष के लोग ईडी सीबीआई से क्यों डरते हैं? हम तो चुनौती देते हैं, हम भी 18 महीना सरकार में थे, हम तो नहीं डरते ईडी सीबीआई से। जिसके मुंह से सुनिए, चाहे ममता जी को सुनिए, चाहे लालू जी को सुनिए, चाहे अखिलेश जी को सुनिए, चाहे किसी या किसी को सुनिए, सब ईडी सीबीआई। ईडी सीबीआई के डर से ना गोली आए हैं। और देखा तो भाई वो रोज उमची उमचा होता है। नहीं पता इसके हुए ये हुआ होगा कुछ। जनगणना याद नहीं आई, सीख लें। बगल के प्रदेश है बिहार, मुख्यमंत्री तो काल में बजट अलॉट कर दिया, आदेश कर दिया जनगणना का। इसी नाते शिवपाल जी कहते हैं कि अखिलेश जी अभी अपरिपक्व नेता हैं। अब देखिए, अब विरोधी पार्टी के लोगों का विरोध है करता है। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना, आज भी उठा के देखिए 27% आरक्षण का लाभ, 4 बार सरकार रही सपा की, अखिलेश जी 5 बार, 5 साल मुख्यमंत्री। चलिए बढ़ते हैं आगे, नोएडा से बड़ी खबर। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।